आज है ज्येष्ठ का पहला बड़ा मंगल। धूमधाम से मनाया जा रहा है बड़ा मंगल। हिंदू धर्म में बड़ा मंगल है खास। आज से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो गई है। ज्येष्ठ में बजरंगबली के वृद्ध स्वरूप की पूजा का खास महत्व है। ज्येष्ठ के हर मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की पहली बार श्री राम से भेंट हुई थी। साथ ही इसी माह में उन्होंने भीम का भी घमंड तोड़ा था। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। कहते हैं संसार में जहाँ बड़ा मंगल के दिन सुंदरकांड का पाठ या फिर रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ बजरंगबली किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यूपी में आज बड़ा मंगल बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ में बहुत ही धूम मची हुई है। जगह जगह पर लंगर लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बड़े मंगल पर भंडारा कराने वाले आयोजकों को अब DCP से अनुमति नहीं लेनी होगी। इसके लिए उन्हें सिर्फ स्थानीय थाने में सूचना ही देनी होगी, जिससे पुलिस ट्रैफिक समेत अन्य इंतजाम कर सके। बड़े मंगल को लेकर पुलिस ने शनिवार को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा था जो लोग भंडारा करवाएंगे उन्हें अपने जोन के DCP से अनुमति लेनी होगी। हवाला दिया कि चुनाव के चलते शहर में धारा 144 है, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था न चरमराए, इसलिए ऐसा किया गया है। इस आदेश का सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक शासन ने इसे संज्ञान में लिया और पुलिस अफसरों को फटकार लगाई। तभी 12 घंटे के भीतर रविवार सुबह नया आदेश जारी कर दिया गया, जिसके तहत अब सिर्फ थाने में भंडारा आयोजन की सूचना देनी होगी। नमस्कार, TV24 में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपको लेकर आया हूँ हनुमान सेतु मंदिर। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल है और यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। चल के यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार के बड़े मंगल की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं सनातन धर्म के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ा मंगल है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगता है, लखनऊ में शिव मंगल मनाया जाता है और लगभग लखनऊ की आधी जनता यहाँ पर आती है दर्शन करने, भगवान साहब की मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री राम। अच्छा, इस बार के बड़े मंगल की ये खूबी है कि ये स्टार्ट भी हो रहा है मंगल ही से और इसका अंत भी हो रहा है मंगल से, तो ये और भी ज़्यादा शुभ हो गया इस बार। हाँ, ये तो कहना ही उचित रहेगा कि जय श्री राम की कृपा है जो सब ऐसा हो रहा है। तो सर, दर्शन के लिए किस किस को लाए हैं, अपने साथ और अपनी फैमिली को भी कि अकेले? मेरी फैमिली शादी में गई हुई है, लेकिन मेरे तमाम मित्रों को मेरे आए हुए हैं और कलयुग में केवल बजरंगबली बाबा की ही कृपा है और इन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है, बढ़िया बढ़िया सब काम हो रहा है। अच्छा, कहा जाता है कि आज ही के दिन हमारे हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिले थे बड़े मंगल के दिन, तो इसके लिए क्या कहें? बड़े मंगल पे हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होती है, जो भक्त इनके शरण में आता है उसका कल्याण हो जाता है। मेरा नाम राजकुमारी सिंह है। अच्छा, तो आज के दिन इतना महत्वपूर्ण है, क्या क्या कहना चाहेंगे? मंगलवार के लिए मेरी आस्था है कि मैं ओला करके आई हूँ। यहाँ कहाँ से आए आप? गोमती नगर से। क्या मन्नतें मांगी आपने अपने लिए? मांगते हैं बस ईश्वर के साथ आते हैं कि सर। तो किस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु अपने हाथ में माला पकड़े और माला खरीदने आए हैं? सर, दर्शन के लिए आए हैं तो क्या मन्नत मांगी आपने? कोई मन्नत नहीं मांगी, सब शांति रहे और क्या बवाल ना हो। सर, आए हैं दर्शन के लिए आप, तो आपके साथ कौन कौन आया है? बस परिवार वाले हैं और आप शॉपिंग में बिजी हैं, मतलब फूल वूल माला मिठाई के चक्कर में हैं, आप जानते हैं सब रूटीन ऑर्डर। और अच्छा, इस बार के बड़े मंगल की खूबी ये है कि ये शुरुआत भी बड़े मंगल से हो रहा है, अंत भी बड़े मंगल से हो रहा है। जी, ये सौभाग्य है और एक संयोग भी है, जो इस कलयुग में भी अगर ऐसा संयोग बन रहा है तो मैं समझता हूँ कि भगवान का धन्यवाद करना चाहिए हम लोग को और पाप गलती हमारे सब क्षमा करें। जो मंगलवार से शुरुआत हो रही है और इस पूरे आषाढ़ मंगल में पूरा आखिरी भी मंगल भी मिलेगा दर्शन के लिए, और मैं सभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आने का, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे मैं कानपुर से हूँ, ये हमारे ससुराल लखनऊ है, और ससुराल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस वक्त दर्शन करने का। बिल्कुल सर, फैमिली के साथ आए हुए हैं और बड़े मंगल के उपलक्ष्य में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।
अच्छा, फैमिली पूरी साथ में आई है तो आज बड़ा मंगल है। इस बड़े मंगल की खूबी ये भी है इस बार के कि बड़े मंगल की शुरुआत भी बड़े मंगल से हो रही है और अंत भी उसका बड़े ही मंगल से हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि भाई मंगल मूरत मंगलहारी, हर तरफ है मंगल ही मंगल और बड़ा मंगल है। तो भैया क्या है, अपने यहाँ तो यार हनुमान जी का आशीर्वाद रहता ही है और लखनऊ में वैसे भी बड़े मंगल का कुछ ज़्यादा ही प्रकोप रहा है, और जिसके वजह से हमें, हम जैसे लखनऊ वासियों को बहुत अच्छा एक भगवान बजरंग बली से आशीर्वाद पाने का मौका मिलता है और उनके साथ थोड़ा अपना भी दिल रखने का समय मिल जाता है। अच्छा, इस बार के नगर निगम के हिसाब से उनके कि 500 से अधिक भंडारे चल रहे हैं लखनऊ में, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप सबका प्यार है और बजरंग बली का आशीर्वाद है जिसके वजह से लोगों को खाना खिलाया जा सकता है और ऐसे भंडारे किए जा सकते हैं और हम चाहते हैं ऐसे भंडारे होते रहे। जैसा कि आज हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा मंगल है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धा है अपनी अपनी, सब मेरी तो श्रद्धा है। आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, अपनी मेरी बहू है सुष्मिता, उसके साथ आए हैं आज। बहुत अच्छा, तो दर्शन कर लिए आपने? कैसा लगा आपको? शांति मिली, बहुत सुकून मिला। अभी हनुमान धाम भी गए हम लोग, वहाँ से होके अभी आ रहे हैं, अब यहाँ होकर। तो बड़े मंगल के लिए सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, ये अंजनी लीला भगवान हनुमान जी महावीर जो हमारे परम पूज्य इष्ट देव हैं और सनातन धर्म एक हमारा ऐसा धर्म है, एक बहुत शक्तिशाली धर्म है ये हमारा, और इसको मजबूत रखना, बराबर रखना है। भारत माँ ने दो सपूत दिए हैं, एक मोदी एक योगी, जो इस सनातन धर्म को बचाए रखेंगे। अच्छा, योगी और मोदी की कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? कानून व्यवस्था ऐसी है कि भागे भागे सब फिर रहे, भागे भागे सब फिर रहे और जत्ते नंबर दिवाले पता नहीं कहाँ भाग गए, और देख ही रहे हो अति जैसे आदमी ठोक दिए जा रहे हैं, तो ठोके वही जाएंगे जो क्रिमिनल होंगे। योगी जी सब पे नहीं, गरीबों पे नहीं चलवाते हैं, ना बुलडोजर चलवाते हैं और ना ही किसी को सताते हो। अच्छा, गरीबों के लिए लेके ये भी कहा जा रहा है कि आज 500 से अधिक भंडारे चल रहे हैं लखनऊ में, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हनुमान जी का प्रताप है जो आज हमारे लखनऊ में नहीं, सारे जिलों में चलना चाहिए, सारे जिलों में चलना चाहिए भंडारे, एक ही जगह नहीं सारे भारतवर्ष में भंडारे चलने चाहिए, ये हनुमान जी का प्रताप है। मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, बोलो बजरंग बली की जय। आज बड़ा मंगल है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा मंगल का महात्म लखनऊ में तो है ही है और बहुत अच्छे से, हम तो यहाँ 20 साल से हैं और हर नाके हर चौराहे पे हर जगह ये सब बहुत अच्छे से मनाए जा रहे हैं और हमें तो, और इसमें बहुत से गरीब जनता हैं, बहुत से लोग हैं, आज उनका भी तृप्ति होती है, प्रसाद भगवान का ऐसा आशीर्वाद है और हनुमान जी कृपा, यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ सब सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है इसको बड़े प्रेम से मनाते हैं, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हर मंगल को आप यहाँ आते हैं कि इसी बार? हर मंगल को कोशिश करते हैं आने के लिए, कभी बहुत ही ऐसा व्यवधान हो गया जिस दिन हनुमान जी कृपा बिल्कुल नहीं हुई, नहीं आ पाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर मंगलवार को आकर के यहाँ जो है हनुमान जी का नाम दर्शन। हनुमान जी के दर्शन किया आपने आज, आपको कैसा लगा? शांति, बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है भगवान के दर्शन से कम जो है, जैसे आप बेमन से भी देखिए पूजा पाठ हुआ, दर्शन हुए, अगर आप बेमन से भी करते हैं तभी आपको पुण्य मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको स्नान करने का मन नहीं कर रहा, आप बेमन से स्नान किए फिर भी आपको तरोताज़ा महसूस होता है, आप बेमन से भी अगर दर्शन करेंगे प्रभु का तो आपको वह ताजगी, वह भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी, यह तो जो है इसमें कोई संदेह नहीं है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी ही इस कलयुग की सारी व्यवस्था का भार जो है इसमें हनुमान जी को ही दिया गया है। जब भगवान राम को पृथ्वी लोक से जाना हुआ तो हनुमान जी को ही सारी व्यवस्था यहाँ दे करके कि अब तुम ही संभालो, उधर जो है माता जी को जो है माँ वैष्णो देवी उनको व्यवस्था दे गए। तो बेटा आप दर्शन करने आए, दर्शन कर लिया कि नहीं किया आपने? जी जी, मैंने दर्शन करा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी के लिए क्या क्या लेके गए? माला लेके गए, लड्डू लेके गए और क्या क्या? मैं हनुमान जी के लिए माला लेके गई थी और लड्डू लेके गई थी। अच्छा,
और मैं बोलना चाहती हूँ कि जय श्री राम और जय बाबा नीम करौली और जय हनुमान जी। अच्छा, तो आपके साथ कौन कौन आया है? मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन आई है। जय श्री राम। तो ये बताइए, आपने दर्शन किया, कैसा लगा आपको? दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बाबा जी के दर्शन हुए, भगवान जी के दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी, हालांकि हमें मजा आया, टाइम तो निकालना पड़ता है। सर, आपने दर्शन किए? हाँ, दर्शन किए हमने, हमारी सारी डिवीजन ने दर्शन किए, हमारे वार्डनों ने। तो कैसा लगा? अच्छा तो लगता ही है, ईश्वर के दर्शन करने से मन को एक शांति तो मिलती ही है और अच्छा अनुभव भी होता ही है सब कुछ। अच्छा, नगर निगम के आंकड़ों के हिसाब से 500 से अधिक भंडारे चल रहे हैं लखनऊ में, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? 500 से अधिक भंडारे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का नगर निगम ने इस बार जो प्रयास किया है वो एक प्रयास तो अच्छा है। अब ये देखना होगा कि कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं, कि जैसे डस्टबिन रखने को कहा है, वन टाइम यूज़ करने के लिए डिस्पोजल वगैरह बताया है, अब यही देखना होगा कि कितना लोग इसका पालन कर रहे हैं। तो सर, आपने दर्शन किए हैं अभी? दर्शन तो अभी नहीं कर पाए क्योंकि ड्यूटी प्राथमिकता थी, दर्शन बाद में करेंगे शाम। दरअसल ये सिविल डिफेंस एक डिपार्टमेंट है सरकार का और ये डिजास्टर से जुड़ा हुआ विभाग है और यहाँ पर हमारी वॉलंटियर सर्विस जो है, आप देख रहे हैं येलो जैकेट में, ये काफ़ी संख्या में केवल यहीं पर नहीं है, लखनऊ के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे आपका पुराना हनुमान मंदिर हो, चाहे छाछी कुआं वाला आपका हनुमान मंदिर हो, तमाम जगह पर हमारे वॉलंटियर लगे हैं सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से, ताकि भीड़ न जुटने पाए, भीड़ को सही तरीके से बाहर की तरफ प्रस्थान कर दिया। सनातन धर्म के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, बड़ा मंगल है, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें? बड़े मंगल है, सभी की आस्था है, हमारी भी आस्था है और सभी लोग आस्था के साथ शांतिपूर्वक और सही तरीके से यहाँ दर्शन करें और भगवान के उसका लाभ पाएं, यही सबसे हमारी कामना है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बाहर इतना बढ़िया प्रशासन, पुलिस प्रशासन खड़ा है, बहुत से स्टाफ मौजूद। देखिए, ऐसा है, हम यहाँ पर मैं खुद देख रहा हूँ कि भक्त भी अनुशासन का पालन कर रहे हैं, अनुशासन से लोग जा रहे हैं। हमारे लोगों की ड्यूटी ये है कि किसी भी तरीके का स्टैम्पेड और इस तरह की स्थिति ना आए, पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है उसका सहयोग वो करते रहें। अभी तक ऐसी कोई स्थिति आई ही नहीं जिसमें हमको इस तरह की कोई इररेगुलरिटी समझ में आए। तो हमारे साथ कुछ सिविल डिफेंस के भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे भले मंगल की महत्वपूर्णता। तो सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम दिलशाद अहमद कैफी है, मैं डालीगंज का पोस्ट वार्डन हूँ नागरिक सुरक्षा संगठन से। तो बड़े मंगल के दिन के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई, बड़ा मंगल जो है वो हनुमान का दिन होता है और जो एक कहावत कही जाती है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना है, हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता ये है कि आपस में भाईचारगी से हम लोग सारे त्यौहार मनाते हैं, चाहे बड़ा मंगल हो, 21 रमजान का जुलूस हो, 19 रमजान का जुलूस हो, कुछ भी हो, ईद हो, दिवाली हो, हम लोग साथ मनाते हैं और साथ ड्यूटी करते हैं और सारे इंसान एक समान है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, मेरा ये मानना है। तो कुछ सिविल डिफेंस के लोग और भी मौजूद हैं मेरे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमिताभ है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने काम धंधे से समय निकाल कर इसमें सेवा देते बगैर पैसे के, कि इसमें ये आपकी निःशुल्क सेवा रहती है? निःशुल्क सेवा होती है, ये आप लोग को नहीं पता है, ये मैं स्पेशली यही बताने के लिए मैं आपको बुलाया हूँ। आपने इतने लोग से बाइट ली, किसी ने ये बात नहीं बताई होगी, हम लोग अपने काम धंधे से समय निकाल के सेवा देते हैं और ये सेवा चाहे वो किसी पर्व हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे मुसलमान का पर्व हो, हर पर्व में हम लोग सुबह से शाम तक ड्यूटी देते हैं, ये अपने आप में। यहाँ तक कि आपको इतना भी समय नहीं मिलता है कि आप जाके अंदर दर्शन कर सकें? बिल्कुल, ये जैसे एयर टाइट वाला मामला होता है कि एयर टाइट मामला है, उसी तरह इतना टाइट रहता है कि अपनी स्वयं की जिम्मेदारी महसूस करता हूँ, कोई यहाँ जबरदस्ती नहीं है कि आप ये करो, हम आप लोग अपनी इच्छा से अपने ये जो स्वार्थ कह लीजिए कि अपनी इच्छा और स्वार्थ से यहाँ लगे हुए हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं स्वार्थ है कि हमें आप ही जाकर कुछ मिल जाएगा या हमें शासन से कुछ मिलेगा कि कोई मेरा कुछ लाभ कर देगा, केवल ये अपनी इच्छा से ये काम कर रहे हैं। दर्शन करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसे बाहर पंडाल लगा हुआ है, नीचे कारपेट बिछा हुआ, इस बार बहुत ही सुंदर व्यवस्था प्रशासन ने की है और बहुत ही अच्छा लगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कमी नहीं, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा है सिक्योरिटी, मंदिर की व्यवस्था इतनी
की कोई भीड़ का अनुभव ही नहीं हो रहा। लाखों की भीड़ है लेकिन भीड़ का अनुभव ही नहीं हो रहा कि भीड़ है। तो आपके साथ और कौन कौन फैमिली आई है? मैं, मेरे हस्बैंड आए, आज मेरी मतलब वो भी है ना, मैरिज एनिवर्सरी भी है। महाराज की जय। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपने दर्शन किए, कैसा लगा आपको? जी, मैंने भगवान की कृपा से एक नहीं तीन बार दर्शन किया और बहुत ही सुचारू रूप से अंदर सारी व्यवस्था है। बजरंगबली के बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं। जैसा कि उनके दर्शन करने के बाद मन को ये प्रतीत हो रहा है कि असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। जी, वैसे तो मान्य यही है कि अगर जेठ के महीने में 5 मंगल पड़े तो बहुत ही शुभ है और इसका शुभारंभ भी मंगलवार से हुआ है और शनिवार के दिन से जेठ माह लगा है। तो ज्येष्ठ के महीने में तिल जल और भूखे को और राही को पानी पिलाने का बड़ा विधान है। इसीलिए हमारे इस लक्ष्मणपुरी लखनऊ नगरी में इस आयोजनों को किया जाता है जिससे हर उस व्यक्ति का यहाँ पर कल्याण हो और बजरंगबली बाबा जो इस कल्याण कार्य में अपना सहयोग देते हैं उनका सदा सर्वदा अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। आ जाता है सनातन धर्म के आज ही के दिन हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिले थे, इसके लिए क्या कहें? जी बिल्कुल, किष्किंधा में प्रभु श्री हनुमान जी ने आज ही एक ब्राह्मण वेश धारण किया था और ब्राह्मण वेश स्वरूप में वो जाकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं जब वो सीता जी की विरह में खोज में जाते हैं। तो कई प्रचलित मान्यताएं हैं, जेठ का महीना प्रभु श्री हनुमान के सबसे प्रिय माह में एक है और जैसा कि कहा गया है शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि भगवान श्री बजरंग बली के ये यहाँ के स्वयं रक्षक हैं, यहाँ इस लक्ष्मणपुरी का वो सदा रक्षा करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर जो भी लखन नगरी में रहता है उसे एक बार यहाँ ज़रूर दर्शन करने आना चाहिए। बताइए सर, आपने दर्शन किए? मैं बजरंग बली का बचपन से बहुत बड़ा भक्त हूँ और हमारे हनुमान जी जो हैं दिल में समाए हैं, जैसे हनुमान जी के दिल में राम जी सीता जी समाए हैं वैसे हमारे दिल में हनुमान जी समाए हुए हैं। और मैं हनुमान जी का बहुत भक्त हूँ और मैं रहने वाला सीतापुर जिला का महमूदाबाद तहसील का हूँ लेकिन रहता लखनऊ में हूँ। जब भी लखनऊ में रहता हूँ मंगलवार का दिन पड़ता है तो मैं 100% सारे काम छोड़ के, चाहे 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, कुछ भी बजा हो, मैं बिना बजरंग बली के दर्शन करे कोई भी काम नहीं करता हूँ। और भगवान का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर है और सदैव रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरा कोई भी काम हो, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, हनुमान जी बजरंगबली बाबा तुरंत उसको 100% सॉल्व कर देते हैं, ये मेरा विश्वास है। और लखनऊ के लोगों को और आसपास के लोगों को जिसको जो सुविधा हो उसको आना चाहिए और एक बार हनुमान से मंदिर हनुमान जी बाबा नीम करोली बाबा के दर्शन करना चाहिए। तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत करी और उनसे जाना कि इस बार के बड़े मंगल की क्या विशेषता है। तो लोगों ने ये कहा कि इस बार का बड़ा मंगल और भी ज़्यादा शुभ तब हो जाता है जब इस बार के बड़े मंगल के स्टार्ट भी बड़े मंगल से हो रहा है और इसका अंत भी बड़े ही मंगल से हो रहा है। तो आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सूरज यादव, TV24 नेटवर्क।